महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलराज कुंडू ने घोटाले पर एसआईटी के गठन पर गृह मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने एसआईटी में ठीक अधिकारी नहीं लगा। इस मामले में गृह मंत्री ने एक्शन लेकर एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की शुगर मिलों में भी बड़ा घोटाला हुआ है। 4 सालों में 33 करोड़ का घोटाला दिखाया गया है, जो कि एक पूर्व मंत्री की कंपनी है। महम विधायक बलराज कुंडू जो आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, यह अब एक जांच का विषय भी है। आइए अब आपको ले चलते हैं महम विधायक बलराज कुंडू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा वो छोटा सा प्रयास, मेरी ग्रामीण अंचल की उन बहनों को हायर शिक्षा देने के लिए एक नायाब तोहफा साबित हुआ। उसी प्रकार जिस प्रकार गरीब के घर में बूढ़ा बुढ़िया जो आर्थिक हालतों से जूझते हुए जो तीर्थ स्थान की उनके मन की तमन्ना चली जाती थी, उनको वो तीर्थ स्थान करा के उनकी दुआओं से आज मेरे महम क्षेत्र में जिस प्रकार केजरीवाल ने दिल्ली में तीर्थ यात्रा करके वहाँ के गरीब लोगों को तीर्थ दर्शन कराने का काम किया, मेरे भी उस प्रयास ने लगभग 40,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को तीर्थ स्थान हरिद्वार के गंगा स्नान और तीर्थ दर्शन कराने का काम साबित हुआ। वो उसी प्रकार और हाल इन चीज़ों को देखें तो काम उसी का नतीजा, मैम के लोगों ने मुझे इस प्रकार भारी बहुमत से जिताने का काम किया, वो एक ही है कि काम वोट देता है। आज का अब बदल चुका है, लोगों की विचारधारा में पूर्ण रूप से चेंज आ चुका है और ये इस बात को भी प्रमाणित करता है, अब खाली भाषणों में ईमानदारी नहीं चलेगी, उसको धरातल में ईमानदारी का रूप जो होता है वो करना पड़ेगा। जिस प्रकार से इतने सब कुछ प्रयास होने के बाद भी कभी केजरीवाल जी के कामों पर उंगली टेकने जितना भी कोई लकुना ढूंढने को नहीं मिला, उसी के प्रारूप में मैं हरियाणा प्रदेश में भी जिस प्रकार से पिछले दिनों मैंने आपके सामने मीडिया के साथियों के माध्यम से मैंने 1,000 करोड़ का अर्बन लोकल बॉडी का घोटाले को उजागर करने का काम किया और वो पूर्ण रूप से तथ्य के आधार पर सरकारी कामों का वो है मैंने लेखा जोखा रखा था। और मैं धन्यवाद करता हूँ विज साहब का, जिन्होंने उस पर एक्शन लेते हुए एसआईटी गठित करने का काम किया। ये बात जरूर है कि उन्होंने जिस प्रकार से किया था उसमें जो ऑफिसर लॉबी ने उस एसआईटी में कुछ कमजोर करने का काम किया, जिसका आज लेटर में विद साहब को भी देने वाला हूं, जिसमें उन्होंने उस टाइप के अधिकारियों को लगाने का काम किया है, क्योंकि वहां जो वहां पे अधिकारी माननीय आनंद मोहन शरण जी, ओपी गोयल जी, जो उस भ्रष्टाचार के उन मंत्रियों के साथ मिलकर जिन्होंने वो घोटाले करने का काम किया था, उसके लिए उनको पूरी तरह वो गिद्ध की तरह उसके ऊपर नजर रखकर उस एसआईटी को कमजोर करने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। उसी के माध्यम से एक ऐसे ऑफिसर को उसमें एसआईटी में लगाने का काम किया जिसको कभी ना सीवर का नॉलेज है ना रोडों की कोई नॉलेज है, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से कोई महाजन करके चीफ इंजीनियर जो जेई से प्रमोट होकर उस लेवल पे गया है, जिसका पूरा रिकॉर्ड ही बहुत क्वेश्चनों से भरा हुआ है। उसी प्रकार से ए के पाहवा, एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, उनको लगाने का काम किया। मैंने जो पैनल रिटायर्ड अधिकारियों को जिनकी ईमानदारी की एक छाप रही है पीछे वो दिया था, उसमें से लगाने का काम नहीं किया। और मुझे उम्मीद है कि मैं आज ये लेटर विद साहब को देने वाला हूं कि उसमें वाकई में ही अगर वो जांच दूध का दूध और पानी का पानी करवाना चाहते हैं तो खेमका जैसे अधिकारी को उस एसआईटी का मुखिया बनाकर और उन ईमानदार रिटायर्ड अधिकारी जो किसी प्रभाव में दबाव में ना आकर एक स्वच्छ और साफ सुथरी
और जो हकीकत है उसको बयान करने वाली रिपोर्ट दें। वो भी मैंने कल मुख्यमंत्री जी को भी ये दी है, कल मुख्यमंत्री जी को भी दी है, आज शाम कल विद साहब से मुलाकात नहीं हुई, आज मैं इसकी वो जो कॉपी है वो विद साहब को देने वाला हूँ और मुझे पूरा भरोसा है विद साहब पे। वो ऐसे एक नेता है हरियाणा प्रदेश के। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।